हेलो दोस्तों, आज मैंने लेके आया वीवो Y91। इसका प्रॉब्लम पावर आईसी ओवरहीट। पावर आईसी इतना ज़्यादा हीट हो रहा है, हाथ रखना ही मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे लग रहा है मोबाइल अभी वास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, मैंने बैटरी लगा दिया। अब इस हीट को जैसे ही ऑन करेगा, ऑन करने का साथ साथ पावर आईसी हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने पेस्ट लगा दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, तब मालूम चलेगा आपको किस तरह हीट हो रहा है और कितना ज़्यादा हीट हो रहा है। यहाँ पे देख लो पावर एसी का हालत, देखो सेट लेकिन ऑन हो गया, सेट ऑन है। यहाँ पे देखो सेट ऑन है, लेकिन इसका आईसी इतना ज़्यादा हीट होता है, मोबाइल हाथ में रखना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है आपके पास में, तो आपको ज़्यादा काम करने का दरकार नहीं है। ठीक है, सिर्फ मोबाइल को खोलना चाहिए, इसके मेन पीसीबी को बाहर निकालो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ इसका अंदर में। आप ठीक सेम टू सेम इसी तरह काम करो, 100% आपका काम सक्सेस होगा। मेन पीसीबी को बाहर निकालो। बाहर निकलने का बाद में थोड़ा सा सेलोटेप ले लो, सेलोटेप या तो थोड़ा सा पेपर ले लो। ठीक है, ये जो सेंसर का लाइन है यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सेंसर का लाइन में इसी तरह ढक दो। ठीक है, ढकने का बाद दोबारा अपना मेन पीसीबी वापस लगा दो, और जो आपका प्रॉब्लम था ओवर हीट प्रॉब्लम, ये लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गया। ठीक है, आपको प्रूफ करके भी दिखाएगा अभी। इसका जो सेंसर होता है, ये सेंसर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के कारण में ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपको कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ एक तो सेलोटेप लगाना है। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे पावर आईसी में मैंने पेस्ट लगा दिया। ठीक है, ठीक है, अभी बैटरी डाल दिया, सेट को ऑन कर दिया। अभी देख लो सेट ऑन हो गया, कंप्लीट ऑन हो गया। और यहाँ पे देख लो आईसी के ऊपर में देखो, जो पेस्ट मैंने लगाया है थोड़ा सा भी नहीं गला। ठीक है, जैसा था वैसे ही है, अभी थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा, थोड़ा सा भी हीट नहीं होगा। ठीक है, और ये जो परेशानी था पहले, ये परेशानी आप लोगों के लिए सॉल्व हो गया है, और ये कभी भी दोबारा आईसी गर्म होगा नहीं। ठीक है,